हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। नाउ वी आर स्टार्टिंग शुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 13th चैप्टर, दैट इज जलौका अवचारणीय अध्याय। तो अग्निकर्म, क्षार कर्म, ये चैप्टर पढ़ने के बाद में जलौका के विषय में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो एक तो इस चैप्टर का नाम याद रखिएगा कि इसका रेफरेंस क्या है, कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, सूत्र स्थान के अंतर्गत जलौका का अवचारण कैसे करना है वो सुश्रुत ने कहे स्पेसिफाई किए हैं। तो यहाँ पे आओ, सबसे पहले आपका थर्ड नंबर का जो कोटेशन है, थर्ड नंबर के कोटेशन में सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, जलौका क्यों लगाई जाती है, जलौका किस किस व्यक्ति को लगाई जाती है। तो देखो, नृप आढ्य मतलब जो धनवान हो, राजा हो, भीरू हो, दुर्बल हो, नारी हो, सुकुमार हो, परम सुकुमारो अयम मतलब जो भी सुकुमार कोमल देह वाला व्यक्ति है, अगर उसका शोणित अवसेचन हमें कराना है तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज जलौका। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि परम सुकुमार या सुकुमार एक्सेट्रा को अगर रक्त अवसेचन कराया जाता है तो कौन सी चीज़ जो है ली जाती है यूज़ में, दैट इज जलौका। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर देखो, जलौका और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि श्रृंग है, अलाबू है, ये भी तो क्या है, रक्त मोक्षण के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो आगे आने वाले जो कोटेशंस हैं उसमें ये बताया जाएगा कि किसमें श्रृंग लगाया जाता है, किसमें जलौका, किसमें अलाबू। इसको अपन यहीं से क्लियर कर लेते हैं। ये देखो, मैंने आपके ऊपर में प्लॉट कर दिया है। तो देखो, वात पित्त कफ के अनुसार वात में लगाया जाता है श्रृंग, क्रमशः आपको ध्यान रखना है, पित्त में लगाया जाता है जलौका और कफ में लगाया जाता है अलाबू, जिसको कि हम तुम्बी भी बोल सकते हैं। तो श्रृंग जो होता है, जो श्रृंग जो होता है, अगर इन सब का रस देखा जाए तो श्रृंग में मधुर रस, जलौका में मधुर रस और अलाबू या तुम्बी को कटु रस प्रधान बोला जाता है। और इसके लक्षण और स्पेसिफाई बता रखे हैं कि जो श्रृंग है ना वो मधुर है, स्निग्ध है, उष्ण है, इसलिए वात के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, इसलिए इसको वात में प्रयोग किया जाता है। पित्त जो है वो मधुर है, शीत, पित्त के लिए जो आपका जलौका लिया जाता है वो मधुर है, शीत है, इस वजह से इसको पित्त में प्रयोग किया जाता है। फिर अलाबू या तुम्बी जो हम बोलते हैं, जो कटु रस वाली रुक्ष और तीक्ष्ण होती है, इस कारण उसको कफ में अप्रोप्रिएट बोला गया है। तो आगे जो भी कोटेशन आने वाला है उसमें आपका यही लिखा हुआ है, तो इसका सार मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्लॉट करके बता दिए हैं। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक फाई किया गया है, जैसे कि जौ अग्रज जो जलौका जो है, इनका जो है शीतल ही अधिवास होता है, मधुर रस वाली होती है और वारी में ही ये रहती हैं। स्पेसिफिकली ये जो है शीतल होने के कारण पित्त में इसको उपशिष्ट किया जाता है, वैसे बाकी के भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ पे एक चीज़, जो 8th नंबर का जो कोटेशन है उसके ऊपर आपको ये ध्यान रखना है। तो जो प्रच्छान वगैरह हम करते हैं और उसके बाद में जो श्रृंग वगैरह लगाया जाता है आचूषण विधि में, या तो आप प्रच्छान करके श्रृंग लगा दीजिए डायरेक्ट, या फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, आपने प्रच्छान करा आचूषण के लिए, उसमें दिया जलाकर से निर्वात उत्पन्न करके फिर आचूषण करिए। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि इन तीनों में से वो कौन सा है जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसमें दिया वगैरह जलाया जा रहा है तो उष्णता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो ये ऐसी चीजें श्रृंग जिसमें कि अपन पित्त में इसको कभी भी यूज नहीं कर सकते तुम्बी को। ठीक है, तो ये क्लियर कट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि विस्त्रावण के तीन तरीके, श्रृंग, जलौका, अलाबू, इनको किसको किसमें यूज करना चाहिए, किसके क्या गुण हैं, किसके क्या दोष हैं। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब स्पेसिफिकली हम एक्सक्लूसिवली जो हम देखेंगे, जो टॉपिक है हमारा वो है आपका जलौका के बारे में, तो उसी को अपन यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका लिखा है जलम आशाम आयु रीति, तो ये वर्ड किसके लिए आता है, जलौका के लिए आता है। और इनकी नाम भी उत्पत्ति भी इसीलिए हुई है क्योंकि इनकी जल में ही आयु रहती है, इस वजह से इनको जलौका बोला जाता है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ता द्वादश, इनको कितना बताया गया है कि इनको 12 बताया गया है। तो ये जो 12 है उसमें से सविष जलौका 6 मानी गई है और निर्विष जलौका 6 मानी गई है। अब 6 और 6 ये जो 12 है, यहाँ पे जलौकाओं को आपका वर्णित किया जाता है।
जब तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जलौका का प्रकार होते हैं और आपको ऑप्शन में मिले 2 और ऑप्शन में मिलता है 12, तो 12 वहाँ पे राइट आंसर किया जाएगा। आप सभी निर्विस सोच के वहाँ पे 2 आंसर नहीं करोगे, 12 आंसर करना है आपको। स्पेसिफिकली आपको ये चीज ध्यान देना है। अब सीधा देखते हैं सभी जलौका। एक तो आपको क्या है, जलौका के केस में इनके नाम याद रखने चाहिए, नाम के साथ साथ कौन सा किस तरीके की आकृति वाली होती है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो, इसको आपको लाइन से इसके नाम याद रखने हैं सविश के। तो एक के याद रख लोगे तो आपको निर्विश ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो सभी जलौका के नाम आपको याद रखने हैं लाइन से। तो कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका और गोचंदना, ये जो 6 हैं ये सविष जलौका हैं। मतलब इनके काटने से व्यक्ति जो है उनके शरीर में विषैला प्रभाव आता है, ठीक है। कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रयूधा, सामुद्रिका, गोचंदना, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ये नहीं भी याद रहता है तो देखो सब में र र की मात्रा आएगी। देखो कृष्णा में भी र दिख रहा है, कर्बूरा में है, अलगर्दा में है, इंद्रयूधा में है, सामुद्रिका में है, बस गोचंदना में जो है नहीं है। तो इसको गोचंदना को आपको नॉर्मली ध्यान रखना है कि ये जो है सविष जलौका है करके। कई बार गोचंदना का नाम सुन के ये लगता है कि इसमें चंदन की स्मेल आ रही होगी, तो ये तो अच्छी वाली जलौका होगी। ये सविष जलौका का एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कृष्णा, कृष्ण होती है ना, तो अंजन के चूर्ण जैसे वर्ण वाली और पृथु शिरा, थोड़ा सा पृथु वाली सिर वाली कौन सी जलौका होती है, तो कृष्ण। तो कृष्ण के नाम पे स्पेसिफाई है, अंजन चूर्ण वाली कृष्णा जलौका हो गई। फिर देखो कर्बूरा जो होती है वो थोड़ी मोटी आकृति की होती है, वर्मी मत्स्य के समान इसका आकार होता है और इसकी कुक्षी जो है वो छिन्न और उन्नत होती है। तो वर्मी मत्स्य वदायता और छिन्न उन्नत कुक्षी किसकी होगी, कर्बूरा हो गई, मतलब मोटी सी हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो रोमशा महापाश्वा कृष्णमुखी अलगर्दा। अब देखो कृष्णमुखी कृष्णा नहीं थी, कृष्णा के लिए क्या लिखा हुआ आया था, अंजन चूर्ण। तो कृष्णमुखी जो होता है वो अलगर्दा के लिए आता है और ये रोमश होती है ये। तो यहाँ पे आपका कृष्णमुखी जो स्पेसिफिकली आपका अलगर्दा के लिए बोला गया है, जबकि अंजन चूर्णा कृष्णा के लिए बोला गया है, तो ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आता है आपका कि रोमस जो है वो कौन सी जलौका को बोला जाता है, तो रोमस बोला जाता है अलगर्दा को। नेक्स्ट अपन आते हैं इंद्र युधा के ऊपर। तो इंद्र युधा को आप ऐसे याद रखो कि इंद्र धनुष के समान इसमें बहुत सारी रेखाएं होती हैं। तो इंद्र युधा ऊर्ध्वम राजी, राजी मतलब इंद्र धनुष के समान बहुत सारी इसमें रेखाएं होती हैं, अनेक रेखाओं से ये चित्रित होती हैं, इसलिए इसका नाम इंद्र युधा है। तो ये जो है इंद्र युधा नाम से स्पेसिफाई हो गई। इसके बाद अपन आते हैं सामुद्रिका। तो समुद्रिका को ऐसे याद रखो कि समुद्र में चित्र विचित्र चीजें मिलती है ना, तो इसमें देखो इशत शीत पीतिका विचित्र पुष्पाकृति, तो विचित्र पुष्पाकृति की कौन सी हो गई, सामुद्रिका, ठीक है। अब आते हैं गोचंदना। गोचंदना को गोचंदना इस वजह से बोला गया है क्योंकि ये गो वृषणवत मुख होती है। तो गो वृषणवत कौन सी जलौका होती है ये आपको ध्यान रखना है, गोचंदना। तो इसके अधो भाग के तरफ द्विधाभूत आकृति, तो ऐसा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जलौका है जो 2 भागों में अलग अलग होती है परंतु जुड़ी हुई होती है। तो द्विधाभूत आकृति किसका है, तो गोचंदना जो जलौका है उसका है। अब यहाँ पे ये जो 6 है हमने सभी जलौका को यहाँ से देख लिया है। अब इसमें क्या है कि ये जलौका अगर काट लेती है तो चिकित्सा में आपका क्या है, जो लेप करना है वो क्या है, महागत का लेप यहाँ पे बता रखा है। तो महागत क्या है, जो विष एक्सेट्रा की जो चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, पर यहाँ पे जो सविष जलौका का है उसके विषय में भी यहाँ पे प्रयोग बता रखा है। तो प्रयोग किस रूप में किया गया है, पान लेप नस्य कर्म आदिशु, मतलब सभी कर्मों में इसका प्रयोग है। तो एक तो ये ध्यान रखना कि सविष जो जलौका है उसमें अगर चिकित्सा की जाए तो किस औषध का प्रयोग है, महाअगत का। फिर इनसे एक व्याधि होती है इंद्रायुधा, सॉरी इनसे जो आपका इंद्रायुधा नाम के जो जलौका है ना, अगर वो क्या है दंश कर लेती है तो उसका जो दंश होता है वो असाध्य बोला गया है। तो ये ध्यान रखना कि सभी जो आपका जलौका है उसमें सबकी चिकित्सा बता रखा है, लेकिन इंद्रायुधा जो जलौका है उसका जो दष्ट है उसको असाध्य बताया गया है। तो यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी जलौका के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आपके निर्विष जलौकाओं के विषय में बताया गया है।
अब देखो शवीश आ गया तो निर्विष का नाम हमको याद है, कृष्णा कर्बुरा अलगर्दा एक्सेट्रा है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम निर्विष पे, तो निर्विष में देखो कपिला पिंगला शंकुमुखी मूषिका पुंडरीक मुखी और सांवरिका। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं अपन कपिला। तो कपिला में कपिल मतलब जो पीला है, मतलब जो जलौका पीले से रिलेटेड जो होगा, तो मनाशिला का जो वर्ण होता है वो भी पीला होता है। ठीक है, इसमें लिखा है देखो इसमें स्निग्ध मुग्ध वर्ण, मूंग का वर्ण भी जो होता है वो पीला होता है। तो ये जो जलौका हो गई वो क्या है आपका, कपिला हो गई। तो इसके नाम से ही आपको पीला ध्यान में रह जाएगा। ठीक, पिंगला पिंगल होती है, इसका जो वर्ण होता है कुछ रक्त होता है, ये जो है सर्कुलर होती है। पिंगा आशुगा, आशुगा का मतलब होता है शीघ्र पीने वाली होती है ये रक्त को। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि आशुगा कौन सी जलौका होती है, तो दैट इज पिंगला। फिर देखो जो शंकुमुखी होती है उसकी आकृति शंकु के जैसी होती है, तो अपनी बॉडी का जो यकृत होता है वो भी लगभग शंकु के समान ही होता है। तो ये ध्यान रखना कि यकृत वर्ण जो आएगा वो शंकुमुखी जलौका में होगा। ये भी शीघ्र पायनी होती है और दीर्घ तथा तीक्ष्ण मुख वाली होती है। तो ये इसके नाम से ही क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आते हैं मूषिका। जो मूषक होता है उसमें से अनिष्ट गंध आती है, तो ये क्या है, मूषिका समान आकृति होती है और साथ ही अनिष्ट गंध वाली होती है मूषिका। ठीक है, फिर आते हैं अपन पुंडरीक मुखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है ना मुद्ग वर्ण लिखा है, और साथ ही साथ में मुद्ग वर्ण हमने कपिला में भी पढ़ा था। मुग्ध वर्ण जो है वर्ड आपका दो में आता है, एक तो कपिला में और एक है आपका पुंडरीक मुखी, और पुंडरीक में पुंडरीक के तुल्य भी ये जलौका होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं सांवरिका पे। तो सांवरिका नाम की जो जलौका है उसको आप ऐसे याद रखो जैसे सांवरे यानी कि कृष्ण भगवान, उनके ऊपर अपन क्या चढ़ाते हैं, कमल चढ़ाते हैं ना। तो पद्म पत्र वर्ण जो है वो आपका सांवरिका जलौका के लिए आया है, और इसका जो परिमाण होता है वो 18 अंगुल होता है। तो स्पेशली एक ही जलौका का जो परिमाण है वो यहाँ पे सुश्रुत ने बताया है, दैट इज सांवरिका, और उसका परिमाण बताया है 18 अंगुल। ठीक है, अब इसके लिए सुश्रुत ने बोला है स च पशुवर्थे। तो ऐसी कौन सी जलौका है जो पशु के काम के लिए काम में ली जाती है, तो वो है सांवरिका। ठीक है, तो ये था निर्विष जलौकाओं के बारे में, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। अब इसके बाद में देखो कि ये जो जलौका है उसको हमको कहाँ से इकट्ठा करना है, कहाँ पे रखना है, इसके बारे में पूर्ण विधि का जो है सुश्रुत वर्णन करते हैं। तो इन्होंने बोला है यवन पौंडे सौ पतानी दानी इति क्षेत्राणी। तो यवन पौंडे शय पौतन ये जो क्षेत्र है वो किसके लिए आया है, तो जहाँ से आपको जलौका इकट्ठा करना है, जहाँ से उनको ग्रहण करना है, वो क्षेत्रों के ये मेनली नाम है। साथ ही साथ में कैसी महाशरीर वाली बलवान, शीघ्र जो रक्त को पी ले, महाअशन करती हो, जो खूब खाने वाली हो, तो इस तरीके के निर्विष जलौकाओं को हमको इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद बताते हैं कि जो सविष जलौका होती है वो क्या करती हैं, जो विष युक्त चीजें जैसे मत्स्य हुआ है ना, दुर्धर हुआ, मूत्र पुरुष कोत एक्सेट्रा का सेवन करती हैं और कलुष स्थान पे रहती है, वो जलौका सविष होती हैं। लेकिन जो जलौका पद्म उत्पल नलिन कोमन कुमुद सौगंधिक एक्सेट्रा इस तरीके के चीज़ों को खाती हैं, और जो विमल अंबु में मतलब साफ सुथरी जो जल है उसमें रहती है, शैवाल एक्सेट्रा को खाती हैं, वो जलौका जो है वो आपका निर्विष कहलाती है। तो ये दोनों को अपन ग्रह स्थान से भी अपन समझ सकते हैं कि कौन सा सविष जलौका है और कौन सी निर्विष जलौका है। नीचे इन्होंने लिखा है क्षेत्रे विरंचितेता शलिल आट्यासु सुगंधेशु। तो यहाँ पे जो विष रहित जलौका है उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि ये ऐसे जगह पे रहती है जहाँ पे सुगंध हो, न च संकीर्ण चारिणो, मतलब ये संकीर्ण स्थान पे नहीं रहती है और कीचड़ वगैरह है वो जो है इनका सेवन नहीं करती है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि किस स्थान पे सविष जलौका मिलेंगी और किस स्थान पे निर्विष जलौका मिलेंगी। अब यहाँ से आपका छोटा छोटा क्वेश्चन दे करके पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए आया है, कि ये जो है सविष के लिए आया है या निर्विष के लिए आया है, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इन जलकाओं को जो है पकड़ना कैसे है, तो आर्द्र चर्म से इनको पकड़ा जाता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर क्या करेंगे, पकड़ के इनको हम क्या करेंगे, एक घड़े में रखेंगे। अपन जो है एक महत घड़ा लेंगे और उस घड़े के अंदर कुछ शैवाल, वल्लूर, के वल्लूरक वगैरह एक्सेट्रा जो चीजें हैं, ताकि जो जलौका है उसको क्या है, उसका भोजन मिल जाए। फिर शैया के लिए अपन जो है उसमें तृण उदक एक्सेट्रा जो पत्ते हैं वो डाल देंगे। फिर उसका जो जल है उसको हमें हर 3 दिन के अंदर में चेंज करने हैं, ताकि क्या है उसमें कीचड़ एक्सेट्रा ना हो। तो 3 3 दिन के अंदर में जल चेंज करने हैं, और 7 रात्रि के बाद में पूरा घड़ा ही हमको चेंज कर देना है। ये चीज़ ध्यान रखना, जल कितने दिन में चेंज करना है, 3 3 दिन पे, और घड़ा चेंज कर देना है 7 दिन में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में सुश्रुत लिखते हैं कि जो जलौका जैसा अपन यूज़ में ले रहे हैं ना, तो उसमें अपन को क्या करना है, तो जो भी जलौका है उसको अपन लेंगे। फिर अपना जो स्थान है जहाँ पे अपने को विस्तावन करना है, जहाँ पे जलौका लगाना है, वहाँ पे मृदा, गोमय, चूर्ण इत्यादि से थोड़ा सा घर्षण कर देंगे। फिर घर्षण करने के बाद में वहाँ पे सरसप और रजनी कल्क एक्सेट्रा लगाकर वहाँ पे जो जलौका है उसको रखेंगे, और कितनी प्रतीक्षा करेंगे, मुहूर्त भर की प्रतीक्षा करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि पहले क्या कल्प लगाया जाता है, सरसप, रजनी, रजनी मतलब हल्दी, वो जो जलौका है उसको 1 मुहूर्त तक रखना है। फिर 1 मुहूर्त के बाद में जब उसको विगत क्लम उसको जान लें, तब उसको हमें क्या है, सेवन करने के लिए लगाना है। ठीक है, विगत क्लम जो है जलौका हो चुकी है, उसको आपने पेशेंट को लगा दिया। फिर क्या है, जो जलौका है उसके मुख को छोड़ करके बाकी जो जलौका का पार्ट है उसके ऊपर क्या है, आप गीला कपड़ा रख दो। अगर वो जो है पेशेंट के रक्त का चूषण नहीं कर रही है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा दूध की बूंद या फिर रक्त की बूंद लगा सकते हो, जिससे कि वो दूषित रक्त का सेवन करने लग जाए। अब इसकी जगह आप जब वांगभट पढ़ोगे ना, तो वांगभट ने लिखा है कि कांजी की बूंद आप उसमें डाल सकते हो, उससे भी जो जलौका जो है वो रक्त अचूषण प्रारंभ कर देती है। तो इस तरीके से जो जलौका जो है वो हमें पेशेंट को लगानी है। तो इतना करने के बावजूद भी जो जलौका है वो रक्त को ग्रहण नहीं करती है, तो फिर उसको हटाइए और दूसरी जलौका को प्रिपेयर करके उसको लगाइए। अब फिर 20th नंबर की जो कोटेशन है उसमें आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि जो जलौका जब रक्त पी रही होती है तब क्या करती है, अश्व खुरवद नाना कृति, तो वो क्या कर लेती है, आगे से मुख को जो अश्व का खुर है उस समान जो है कर लेती है, और अपने पीठ को ऊंचा उठा लेती है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो जलौका है वो रक्त का पान कर रही है। फिर क्या है कि आप उसे आर्द्र वस्त्र से ढक दीजिए, गीले कपड़े से ढक दीजिए, और रक्त का पान करने दीजिए। फिर आपको जब ऐसा लगने लगे कि पेशेंट के तोद कंडूर का प्रादुर्भाव हो रहा है, तो मतलब रक्त धातु निकल गई उसके बाद, तो मतलब जो धातु क्षय है उसके बाद में क्या होगा, वात और कफ का जो एक्सेट्रा का जो लक्षण है वो दिखाई देगा। मतलब तोद और कंडू जो है पेशेंट को अगर लगता है, तो हमें जो है ये समझ लेना चाहिए कि जो जलौका जो है वो क्या है, अब शुद्ध रक्त को पान कर रही है। तब हम क्या करेंगे, जो जलौका है उसको हटा देंगे, और अगर जो जलौका है वो शोणित के गंध के पीछे उन्मत्त हो गई है और जलौका जो है वो पेशेंट को नहीं छोड़ रही है, तो उसके मुख पे अपन क्या करेंगे, सैंधव चूर्ण लगा देते हैं। तो जलौका को शरीर पे लगाने से पहले उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, सरसों, रजनी का कल्क, ठीक है, और शरीर से अगर छुड़वाना है उसको, तो उसके मुख पे क्या लगाया जाता है, सैंधव का चूर्ण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो कि आपने जो है जलौका को रक्तपान करा दिया दूषित, अब क्या करना है, अब उसको वापस से वमन कराना है। तो हम जो है उसके ऊपर तंडुल कंडन, मतलब क्या होता है, जो चावल की किड़की लेके, तो किड़की के ऊपर मसल कर सैंधव लवण को जो जलौका है उसके मुख के ऊपर लगा करके हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से तो जलौका को पकड़ लेंगे, राइट हैंड से उसका जो है शरीर का पीछे से आगे तक मर्दन करेंगे, जिससे कि क्या हो, उसको वमन हो जाए। ऐसा तब तक करना है जब तक सम्यक वाम के जो लक्षण है ना आ जाए। अगर सम्यक वाम के लक्षण आ जाते हैं तब उसको पानी में छोड़ो। अगर वमन हो जाता है तो क्या है, वो सारे रक्त का त्याग कर देगी और जलौका को पुनः भूख लग जाएगी। जैसे ही आप जल में डालोगे ना, तो वापस से खाने की तरफ भागेगी। हमको ये समझ जाना चाहिए कि इसका जो वमन है वो ठीक तरीके से हो गया है। तो अगर ऐसा नहीं है, तो जलौका करती क्या है, तली में बैठने लग जाती है। तो उसको दुर्वांत समझ करके उसको वापस से हमें वमन कराना चाहिए।
और अगर जो दुर्वान जलोक है उसको हम ऐसे ही छोड़ दे तो उसको इंद्रमद नाम की ऐसी व्याधि हो जाती है जो कि असाध्य होती है। तो ये ध्यान रखना कि दुर्वान तो जो जलोका होती है उसको कौन सी व्याधि होती है, इंद्रमद, जिसको कि रक्तमद भी बोला जाता है। और इसको वांगभट ने क्या बोला है, रक्तमदता। अब एक जलोका को आपने एक बार लगा दिया और उसको वमन ठीक से करा दिए हैं और सम्यक वाम के उसमें लक्षण उत्पन्न हो गए हैं, तो उसको उसको दोबारा यूज़ में लेने हैं तो उसको आप जो है 7 दिन के बाद में ही यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, ये भी क्राइटेरिया है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो शोणित मोक्षण कराने के बाद में जलोका के साथ में हमें क्या करना है, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो हमारा पेशेंट है उसके ऊपर हमें क्या करना है, जो पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पे जलोका ने रक्तावचूषण किया है वहाँ पे शद्योद्गृत का अभ्यंग करना है या आप उसके पिचू का धारण करवा सकते हैं। अगर वहाँ पे किसी तरीके का व्रण है तो उसके ऊपर मधु का उकर्षण कर सकते हैं या शीतल जल से या शीतल चीजों से उसका परिसेचन कर सकते हैं। साथ ही साथ में कषाय मधुर स्निग्ध शीर प्रदेह भी वहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ये पूछा जाता है कि जलोका उच्चारण से उत्पन्न व्रण में क्या लगाया जाता है, अपन सद्योद्गृत लगा सकते हैं, अपन मधु का अपघर्षण कर सकते हैं, शीतल चीजों से कषाय मधुर स्निग्ध चीजों से प्रदेह वहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया रोगी के साथ क्या करना है और जलोका के साथ क्या करना है। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो देखो नेक्स्ट पेज में इस पूरे चैप्टर में हमने क्या देखा, से कौन से क्षेत्र हैं जैसे कि यवन पांडे एक्सेट्रा जो है जहाँ से जलोका ली जाती है, फिर उसको ग्रहण कैसे करना है, घड़े में कैसे डालना है, कितने दिन में पानी को चेंज करना है, घड़ा कितने दिन में चेंज करना है, जलोका सविष किस स्थान पर मिलेगी, निर्विष किस स्थान पर मिलेगी, जलोका सविष निर्विष कौन कौन सी होती है और किसको आप कैसे पहचानोगे, ये सब हमने यहाँ पे देखा। फिर आपको कैसे करके पोषण करने हैं उस जलोका को, कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे औचारण करने हैं, और फिर औचारण के बाद में जलोका का क्या करेंगे हम और पेशेंट के साथ में क्या करेंगे, ये सब हमने इस चैप्टर में यहाँ तक पढ़ लिया। तो इसी के साथ में ही ये जो आपका जलोका औचारणी है ये यहाँ पे आपका फिनिश होता है। तो स्पेसिफिकली ध्यान देना कि इससे बार बार क्वेश्चन आता है, कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि जो आपका सविष जलोका कौन सी है और कौन सी जलोका निर्विष है। तो नाम पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, साथ ही साथ में उनकी जो आकृति है उससे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैद्धांतिक पक्ष तो आपको फिर भी ध्यान रह जाता है, फिर भी आप कंफ्यूज हो ही जाते हो कि कौन सा सविष होंगे और कौन सा निर्विष जलोका है। तो इसी के साथ में अपन जो है यहाँ पे फिनिश करते हैं जलोका उच्चारणीय अध्याय। ठीक है, ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।